हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, कॉलेज के एग्जाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि आप अपना एनरोलमेंट नंबर किस प्रकार से निकाल सकते हैं एग्जाम फॉर्म भरने के लिए। तो एनरोलमेंट नंबर्स के बिना आप अपना एग्जाम फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे, तो एनरोलमेंट फाइंड करने का प्रोसेस इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एनरोलमेंट नंबर निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में गूगल को ओपन कर लेना है। सर्च बार में आपको टाइप करना होगा जीवाजी एमपी ऑनलाइन। तो इतना आप टाइप करके सर्च करेंगे, तो चलिए हम इसे सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद आपके सामने एक फर्स्ट लिंक आ जाएगी, jeevaji.mponline.gov.in। इस फर्स्ट लिंक पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी। आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और आपको नीचे स्क्रॉल करके आपको आना है यहाँ पर, देख सकते हैं। तो जो भी सर्विसेज होंगी जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर की रिलेटेड, वो आपको यहाँ पर शो करेंगी। तो आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन वाला ही सेक्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पे अनपेड व्यू रिसेप्ट, तो आप देख सकते हैं इस वाली लिंक पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे एनरोलमेंट नंबर फाइंड करने के लिए। अब आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर का ऑप्शन मिलेगा, तो जो भी आपकी एप्लीकेशन आईडी है, एडमिशन आईडी, वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे एप्लीकेशन नंबर में। तो यहाँ पर हम इंटर कर देते हैं स्टूडेंट की एप्लीकेशन आईडी। एप्लीकेशन आईडी आपको अपनी फीस स्लिप के ऊपर मिल जाएगी, या फिर आप अपना अलॉटमेंट लेटर के ऊपर भी चेकआउट कर पाएंगे। एप्लीकेशन आईडी डालने के बाद आपको कैप्चा कोड सबमिट करना है, और इसके बाद आपको सर्च के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर लास्ट डेट ओवर इस प्रकार से एक मैसेज आएगा, इसे आप ओके कर दीजिए। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से एक एनरोलमेंट फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपकी सारी डिटेल रहेगी, जो भी एडमिशन डिटेल रहेगी। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा सबसे ऊपर ग्रीन बर्ड में एनरोलमेंट नंबर जनरेटेड, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना एनरोलमेंट नंबर फाइंड कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। तो आप चाहे तो इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड, पिछली वीडियो में मैंने आपको एग्जाम फॉर्म भरने का प्रोसेस भी दिखा दिया था, उस वीडियो को देखकर आप अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं एनरोलमेंट के माध्यम से और फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो ये था एक कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप के दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।